ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ SSP ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ SSP ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਰੋਡ 'ਤੇ 5,000-5,000 ਆਦਮੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਸਕਾ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਚੌਕੀ ਚਾਰਜ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਦਰੋਗਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਅਗਲੇ ਜਬ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਆਏਗੇ। ਆਪਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਫੀਲਡ ਮੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਵਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੁਝੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਪੇ, ਮੈਂ ਵਹੀਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਸਾਦੇ ਮੇ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਮੁਝੇ ਡਿਊਟੀ ਪੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਪੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋ ਉਸਕੋ ਬਤਾ ਦੋ, ਡਰਾਈਵਰ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਤਾ ਹੂੰ। ये वाली ड्यूटी नहीं चाहिए मुझे, मार्केट में खड़े हो, भीड़ है वहाँ पे, और नीचे अपने गर्दन भी नीचे, पता भी नहीं तुम्हारे चारों तरफ क्या हो रहा है, लेके मोबाइल में लगे हो वहाँ ट्रैफिक। और ये सिर्फ त्यौहार तक सीमित नहीं है, अभी भी आप कहीं भी ड्यूटी कर रहे हो, किसी के भी भीड़ के क्षेत्र में नशे का कोई काम अगर हो रहा है, आप उसकी तत्काल सूचना देंगे अपने इंस्पेक्टर को, अपने CO सिटी को, CO मंडी को, SP सिटी को, और मुझे अगर मैंने किसी के क्षेत्र में पकड़वाया, और मैं टाइम दे रहा हूँ अभी तुम्हें, अगले 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं, 15 दिन बाद मैं पकड़वाऊंगा, और जिसके यहाँ मैंने पकड़वा लिया वहीं सस्पेंड कर दूंगा मैं, पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको। ये नहीं कह रहा कि घर जाके किसी को पकड़ के लाओ, लेकिन अगर आपकी बीट है, खुलेआम हो रहा है, पब्लिक आके मुझे बताएगी, तो इसका मतलब हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। चाहे वो पन्नी सूंघ रहा हो, चाहे वो आयोडेक्स सूंघ रहा हो, चाहे वो इंजेक्शन मिल रहा है आजकल मेडिकल की दुकानों पर, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं नशे का काम, ये चीज़ 100% बंद होनी है मुजफ्फरनगर में। अगर किसी के भी बीट में किसी तरह की कोई भी चीज़ हो रही है, चाहे वो कॉन्स्टेबल हो, चौकी इंचार्ज हो, सब इंस्पेक्टर हो, ये हमारा बेसिक काम है। अगर कोई सार्वजनिक स्थल पे नशे का काम हो रहा है, शराब का काम हो रहा है, किसी महिला के साथ वो एरिया सेफ नहीं है, कोचिंग सेंटर है, स्कूल कॉलेज है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, उसी एरिया में 2 या 3 बार घटना हो गई है, अगर उसके बाद भी लोग अलर्ट नहीं हो रहे हैं, और हम ये नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं कि साहब इस पॉइंट में बार बार घटना होती है, इस पॉइंट पर लड़के आके खड़े हो जाते हैं शाम के टाइम, स्कूल कॉलेज के टाइम पे, जब नहीं होने चाहिए वहाँ पे, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। आपका एरिया छोटा है, अपने छोटे से एरिया में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कितने स्कूल कॉलेज है, कहाँ का स्कूल कॉलेज है, वहाँ कोई बात तो नहीं होती है, वहाँ बिना मतलब के मोटरसाइकिल पर लड़के तो नहीं आके खड़े होते जिनका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे नशे की गोलियाँ, नशे के इंजेक्शन, ये सब बेचे तो नहीं जाते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे कहीं से खरीदते तो नहीं है। और ये जितनी बात बता रहा हूँ, ये पब्लिकली सारी चीज़ दिखाई देने वाली है, मैं ऐसा कोई काम नहीं बता रहा मैं कि जाके 50,000 का इनामी पकड़ के ले आओ, वो बता रहा हूँ जो अगर तुम सादे में वर्दी छोड़ो, सादे में भी अगर घूम लोगे ना 2 दिन, 3rd दिन तुम्हें खुद पता लग जाएगा। अगर आपने वर्दी पहनी है तो पुलिस का काम करना पड़ेगा, पुलिस का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम 12 घंटे ड्यूटी करें, हमारा काम है समाज की बुराइयों को ठीक करने का ठेका हमने लिया है, हमारी नौकरी का पार्ट है वो, अगर हम वही नहीं कर रहे तो फिर हम कर क्या रहे हैं, हमें अधिकार है ना। अगर कोई नशे का काम कर रहा है, पब्लिक आदमी उसे उठा के पीट सकता है, पकड़ के ले जा सकता है अपने साथ, नहीं ले जा सकता, छोटे बच्चों को ड्रग्स दे रहा है तुम उठा के ले जा सकते हो, थाने पर उसे बरन कर सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो उसके विरुद्ध, उनसे कोई बदतमीजी करे तुम हाथ में रखता है उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हो, कॉन्स्टेबल हो, हेड कॉन्स्टेबल हो, महिला कॉन्स्टेबल हो, जो भी हो, ड्यूटी पे हो या ना हो, इसी शहर में रहते हो, यहीं घूमते हो, घूम रहे हो, अपने घर की खरीदारी करने आए हो, दिवाली के लिए आए हो, आंखें तो तब भी खुली रहती है ना, पुलिस वाले तो तब भी हो, दिखता तो तब भी है ना कि साहब यहाँ ये फालतू सा आदमी घूम रहा है। अगर ड्यूटी पे नहीं हो तो भी फोन करके बता सकते हो कोतवाल को, चौकी इंचार्ज को, कि साहब इसको चेक करा लो, ये एरिया गड़बड़ लग रहा है, वर्दी पहने हो ना पुलिस वाले,
ये काम तब तक नहीं होगा जब तक हमारे सिपाही नहीं जुड़ेंगे साथ में। अगर हम ये गारंटी लेते हैं कि भाई हमारे किसी भी सिपाही को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपकी गारंटी नहीं है ये कि हम आपको काम में कमी नहीं आने देंगे, है या नहीं है? मुझे एक एक कॉन्स्टेबल से वो चाहिए, चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर से तो मैं पता कर ही लूंगा, लेकिन मैं रिपोर्ट लूंगा एक एक कॉन्स्टेबल से, क्योंकि मुझे ये पता है इतने बड़े शहर में तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक हमारा एक कॉन्स्टेबल हमारे साथ ना जुड़े। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और ये जिम्मेदारी है आपकी, ये कोई डर नहीं है कि साहब हम सस्पेंड कर देंगे इसलिए आप काम करिए। या तुम ड्यूटी कर रहे हो, वैसे भी वहाँ 12 घंटे खड़े हो, 8 घंटे खड़े हो, गश्त कर रहे हो, पैदल हो, चीता पे हो, मोबाइल पे हो, पिकेट ड्यूटी पे हो, VIP ड्यूटी पे हो, किसी भी तरह की ड्यूटी पे हो, ड्यूटी तो कर ही रहे हो, खड़े तो हो ही वहाँ पे। जब हम खड़े हैं तो आँख नाक कान खोल के हम इतना दिमाग नहीं लगा सकते? कोई आपसे ये तो कह नहीं रहा कि तुम अकेले जाके कूद जाओ, जाके भिड़ जाओ 10 लोगों से, लेकिन अगर दिख रही है वो चीज तो देख के अपने कोतवाल। सो दोस्तों, तुसी भी देखा कि किस तरह SSP साहब ने पुलिस अधिकारियों नु सख्त हिदायतां देंदे होए कहा कि जेकर किसी भी पुलिस अधिकारी दे इलाके विच कोई भी नशे दा कारोबार या कोई भी गैर कानूनी काम हुंदा होया, तो मैं उस पुलिस अधिकारी दे खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई करांगा। SSP साहब ने तो साफ कहा कि पुलिस दा काम है कि समाज दीआं बुराईआं नु दूर करना। इस दे नाल ही उन्होंने पुलिस कर्मचारियों नु इकट्ठे होके अपनी ड्यूटी समय सिर करन दी सलाह भी दित्ती।